friends, how are you all? Myself Priyanka Trivedi and welcome to the online video of RS Group of School. Okay, so I am your science teacher and let's discuss about the chapter first, food and nutrition, which is for class 4th. Okay, so we will study about food and nutrition. So what is food? Food kya hai? Food is one of our basic needs of our life. मीन्स जो फूड होता है वो क्या होता है, हमारी लाइफ की एक बेसिक नीड है. मीन्स विदाउट टेकिंग फूड वी कैन नॉट सर्वाइव और वी कैन नॉट लिव. मीन्स फूड को टेक किए बिना हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते या जीवित नहीं रह सकते. सो फूड इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ और फूड और वी कैन से फूड इज द बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ. सो इन द फूड कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट. जो फूड हम टेक करते हैं रेगुलरली उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, सो दैट आर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फूड ग्रुप्स. मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए. तो दीज आर ऑल्सो डिवाइड इन द फूड ग्रुप्स. इनको हम लोग फूड ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो फूड ग्रुप्स इज एनर्जी गिविंग फूड. ओके, सो वॉट आर द एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. मीन्स वी रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ द फूड. हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को टेक करते हैं इस टाइप के फूड से. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर एंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या होता है, शुगर और स्टार्च. एंड द एग्जाम्पल ऑफ फैट्स आर, फैट्स क्या होते हैं, जो बहुत हैवी फूड होता है उसमें क्या कंटेन होता है, उसमें फैट्स होते हैं. मीन्स जैसे मिल्क, एग्स, मीट, दीज आर कंटेन फैट्स. इनमें क्या होता है, फैट्स होता है. एंड नेक्स्ट ग्रुप इज रिपेयरिंग द बॉडी. फूड दैट इज रिपेयरिंग अवर बॉडी. ओके, और वी कैन से रिपेयर द बॉडी टिश्यूज. हमारी बॉडी टिश्यूज को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं. दीज आर द प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स में हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, चीज. ओके, इन सबसे में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन गेट होता है. तो दीज आर द फूड फॉर रिपेयरिंग द बॉडी. हमारी बॉडी को रिपेयर करने का वर्क करते हैं ये. नेक्स्ट इज फूड फॉर टेकिंग स्टे एंड हेल्दी. स्टे एंड हेल्दी एंड स्ट्रांग रहने के लिए हमें क्या जरूरत, क्या नीड होती है, हमें वी नीड टू टेक विटामिन एंड मिनरल्स. किसकी नीड होती है, हमें विटामिन और मिनरल्स को टेक करने की नीड होती है. ओके, सो वी आर टेक विटामिन फ्रॉम द ऑरेंजेस, एग्स एंड मिल्क. जो विटामिन होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑरेंजेस, एग्स या फिर मिल्क से मिलते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स वी कैन टेक मिनरल्स फ्रॉम द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क. जो फ्रूट्स हम लोग ईट करते हैं, मिनरल्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं और मिल्क होता है उससे हमको मिनरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी. ओके, वाटर जो होता है इसमें कोई विटामिन्स नहीं होते हैं, कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, बट ऑल दो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी. ओके, मीन्स वाटर फिर भी इतना जरूरी है हमारे लिए. इसमें मिनरल्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होता, प्रोटीन्स नहीं होते, बट इन द कंडीशन ऑफ लैकिंग ऑफ वाटर वी फेस द डिफिशियंसी ऑफ वाटर और वी हैव इन द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन. अगर हम वाटर को एनफ क्वांटिटी में नहीं टेक कर रहे हैं, एनफ क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है और क्या होता है, हमें हॉस्पिटल्स में एडमिट होना पड़ता है. मीन्स जो वाटर है, इट इज अ मैक्सिमम लिमिट टू टेक वाटर रेगुलरली, इट इज अ 6 to 8 glasses वाटर हमको रेगुलरली टेक करना ही करना चाहिए. ओके, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर रेगुलरली. ओके, सो नेक्स्ट इज रफेज. वॉट इज रफेज? रफेज कंटेन्स मोर फाइबर्स. रफेज वो फूड होता है जिनमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, बीट रूट, अनियन, टमाटो, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारा फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, दिस इज रफेज. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है, मीन्स हम लोग डाइट ले तो रहे हैं बट वो एनफ क्वांटिटी में है कि नहीं है, इट इज बैलेंस्ड और नॉट. बैलेंस डाइट मीन्स इट कंटेन्स प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट, इट कंटेन्स द फैट, इट कंटेन्स द प्रोटीन्स एंड इट कंटेन्स द विटामिन्स, मिनरल्स. ओके, ऑल दीज आर
ऑल दीज आर इन द बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट में ये सब होते हैं और ये सब होने ही चाहिए. ओके, इट्स हैव टू. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. नेक्स्ट इज डाइजेशन. मीन्स वेन वी टेक द फूड आफ्टर दैट द डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग स्टार्टेड. मीन्स जब हम फूड को टेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग होती है. और डाइजेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ. डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है. माउथ से स्टार्ट होने के बाद में ये नेक्स्ट हमारे क्या जाता है, बैक टाइप शेप जो है हमारा स्टमक. बैक टाइप स्टमक में क्या करता है, ये जाता है. और नेक्स्ट जो लीवर से एक जूस जो होता है वो सेक्रेट होता है, दैट इज बाइल. बाइल इज मेड फ्रॉम द लीवर. लीवर से बनाया जाता है ये जूस जो होता है हमारे स्टमक में, जो फूड गया है उसके साथ में क्या करके मिक्स होके उन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है. इसके आफ्टर दैट द होल डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में होल डाइजेशन जो होता है कम्प्लीट होता है. एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है. एंड इट इज आउट एंड इट इज थ्रू द एनस. एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. मीन्स जो हम फूड टेक कर रहे हैं, कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि उस फूड को हमें प्रिजर्व करना होता है, थोड़े टाइम के लिए उसको रखना होता है. तो मीन्स कि ये जल्दी क्या हो, जल्दी खराब ना हो, ठीक है, जल्दी डिके ना हो, इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे. तो इसके लिए फॉर द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बाई कैनिंग, बाई कोल्ड स्टोरेज, बाई साल्टिंग एंड डिहाइड्रेशन. कैनिंग मीन्स समटाइम वी पुट द फूड इन द कैंस और बॉटल्स. हम कैंस और बॉटल्स में फूड को रखते हैं स्टोर करके. समटाइम्स वी एड सम केमिकल्स इन दिस फूड. इस फूड में कुछ केमिकल्स भी एड करते हैं जिससे कि फूड इज नॉट स्टेल या फिर ये खराब ना हो. नेक्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज में मीन्स कोल्ड प्लेसेस पे या कोल्ड स्टोरेज लाइक दिस इन द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में हम अपना फूड रखते हैं ताकि फूड क्या हो, खराब ना हो, वेस्ट ना हो हमारे लिए, और लॉन्गर टाइम तक हम इसको ईट कर सके. नेक्स्ट इज साल्टिंग. साल्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन की सबसे जनरल और सबसे अच्छी जो प्रोसेस है दैट इज सॉल्टिंग. मीन्स सॉल्टिंग करके हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन जो फूड में हमारी मॉइस्चर होता है, फूड में जो नमी होती है उसको भी दूर करके, उसको भी रिमूव करके फूड को हम लॉन्गर टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.